ठीक है, बहुत बढ़िया। अंदर लो लो, जहां पर बांधते हो वहां बांधो। तो देखें नन्ना जो काफ है H885 885 का, ये देखें H885 885 का ये मेल काफ है। रंग देखें आप, जो बात है सुस्पष्ट है। और H885 885 और ये 986 का था, है ना, 986 की ये बछड़ी है। ठीक ठीक, ले जाओ। और यहाँ पर ये जो गोधन आप देख पा रहे हैं, सुंदर सुस्पष्ट, आंखें इसलिए इसकी जलती हुई दिख रही हैं क्योंकि फ्लैश लाइट ऑन है। ये ले बंद कर दी, सुस्पष्ट अडर है, इंटैक्ट अडर है। अगले थन लंबे, पिछले छोटे, और सिंगों की बनावट टिपिकल हरियाणा करेक्टर। तो ये देखिए, तो गांव है दुबलधन माजरा, जिला है झज्जर, और झज्जर एक ऐसी बेल्ट है जहां पर हरियाणा नस्ल काफ़ी अच्छी विकसित हुई, काफ़ी अच्छी। दूध जो इसका सरकारी आंकड़ों में दर्ज है, कौन से ब्यांत में है ये बछिया, दूसरे ब्यांत में, 13.5 किलो दूध। कोई अटरम सटरम चटरम कुछ नहीं दिया इसको, कोई मेडिकल, कोई मुंह से खिला देते हैं, नाल दे देते हैं, ऐसा कुछ नहीं, नॉर्मल चराई है। अच्छा, और दूध कहाँ निकलवाते थे, अस्पताल, कौन से, यहाँ से कितनी दूर है, कितना, 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर दूर। ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो ये देखें, ये नाम मात्र का न्याणा, सिर्फ एक जो है, तो गांव है दुबलधन माजरा, और वहां पर ये अच्छी जो बैड की है ये देखने को मिल रही है, बहुत बढ़िया। ठीक है, निकालें। वो रिकॉर्ड लेकर के आए वो पर्ची जो आप मुझे दिखा रहे थे, तो ये देखें 986 की ये बछड़ी है, और H885 का ये बछड़ा है। 20/4/2021 को इसका सीमन किया था, HLDB में ये रिकॉर्डेड है। तो इसका रिकॉर्ड डॉक्टर से नहीं लेकर के आए, तो गौ में और भैंस में कुछ फर्क भी लगता है आपको, दूध में है, मैं तो गौ का दूध आगे आ जाए। अच्छा बताएं, मैं तो जी बिल्कुल गौ का दूध लेता हूँ। अच्छा, भैंस का तो लेने का मन ही नहीं करता। क्यों, एक देसी गौ तो और एक घर में रखनी चाहिए बिल्कुल। अच्छा, और एक आदमी को। तो बच्चे कितने हैं आपके, बच्चे 2 हैं जी, दोनों को गऊ का दूध पिलाते हैं, गऊ का दूध पिलाते हो। जब ये बाखड़ी हो जाती है या ड्राई पीरियड में आ जाती है तो क्या करते हैं, ड्राई पीरियड जी इसका 1 महीने से हमने ये छोड़ी थी। अच्छा, ठीक है, बिल्कुल। अच्छा, ऐसे अपने पास 2 बैगी थी, ये छोड़ी थी हमने। अच्छा, ठीक है, नहीं तो ये दूध दिया करती 3.5-4 किलो। अच्छा अच्छा भाई, बहुत बढ़िया। और इस बार कौन सी ब्यांत में है, अब की बार दूसरे ब्यांत में, दूसरे ब्यांत में, इसकी माँ की बछिया है, इसकी माँ, इसकी माँ नहीं है जी, हम लाए थे ये रिश्तेदारी में से। अच्छा, ही बच्चिया। अच्छा, और वो पाली थी हमने। अच्छा, बच्चे की तरह पालते हैं, बच्चे की तरह पालते हैं। तो इसको घूमने फिरने की कोई व्यवस्था है या यहीं रहती है, नहीं जी बाहर भी है अपना एक प्लाट। अच्छा, इसके अंदर दिन में। अच्छा, चलो भाई बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इतनी अगर पक्का है ना ये तो, हाँ का जरूरी है वहाँ, जोड़ पे बैठो के साथ जाती है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, अपने आप आ जाती है। तो ये कहाँ से लेकर के आए थे आप, ये जी टोड़ा गांव से लेके आए थे रिश्तेदारी में से। अच्छा, और छोटी सी बच्चिया हमने बच्चे की तरह पाली। अच्छा, बच्चे की तरह पाली थी। देखें तो जिस लाड प्यार और समर्पण से इन्होंने इस बच्चिया को तैयार किया, उसी समर्पण से अब ये जो बच्चिया है वो इस परिवार का पोषण कर रही है। इसकी ये जो बछड़ी है, अभी मिल्किंग के बाद मैं एक बार कैमरा इस बछिया की तरफ भी जरूर दिखाना चाहूँगा। तो अभी आपके गांव में तकरीबन देसी गऊ कितने लोग और रखते हैं जी, अब तो थोड़ा क्रेज बढ़िया है। अच्छा, पहले कम क्रेज था, अब बढ़ता रहा है, बढ़ता रहा है, देसी गऊ को बहुत मानने लगे। अच्छा, बच्चिया मांगने के लिए नहीं आते आपकी ये बड़ी, आते हैं जी ये। हाँ, तो जहाँ से मैं लाया था उनकी गऊ खराब होगी वहाँ जाएगी जी। अच्छा अच्छा, बिकाऊ बिल्कुल नहीं है, नहीं गाय बिकाऊ है, नहीं बछिया बिकाऊ। बहुत बढ़िया, 1 करोड़ में भी बिकाऊ नहीं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये देखें,
जो हमारे बड़े बुजुर्ग थे उन्होंने कभी गऊ का व्यवसायीकरण नहीं किया, तो बछिया को दे दिया जाता था जो भी कोई पालने वाले लेकर के जाते थे, लेकिन ज्यादातर देई गाय का कंसेप्ट हुआ करता था। तो पहले देई गऊ तो जी हमने देई की तरह ही रखनी है। हाँ हाँ। मेरी चलेगी तो मैं इसको बेचूंगा नहीं। बहुत बढ़िया, ठीक है, कोई कीमत नहीं है इसकी, कोई अनमोल चीज नहीं। तो पहले बड़े बुजुर्गों की परंपरा थी कि गऊ को है ना देई छोड़ते थे। हाँ बिल्कुल, उसका दूध ना तो दूध बेचते थे ना देते थे ना कुछ और करते थे ना बिलोते थे, सिर्फ पीते पीते थे। हम भी यही काम करते हैं जी, नहीं तो इसका घी देते हैं नहीं इसका दूध। अच्छा। कोई पड़ोस में कोई बीमार हो जाता है तो उसको दूध वैसे देते हैं। अच्छा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो ये हमारे बड़े बुजुर्गों की कुछ बहुत सुव्यवस्था के साथ बनाई हुई कुछ परंपराएं थी। तो ये जो संस्कृति है ये कहीं ना कहीं आज लोभ में आकर के और गऊ का जो व्यवसायीकरण बहुत ज़्यादा ना करें। ठीक है, किसान मेहनत करता है, उसने उसको खिला पिला करके तैयार किया है, कोई बछिया उसकी अगर वो किसी को देना चाहते हैं तो कुछ मूल्य उसका ले सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा बोम्बास्टिक रेट पर या इस तरह का मैं कहीं ना कहीं उसको उतना ज़्यादा समर्थन नहीं करता। तो बड़ा गाँव है आपका? तो बड़ा गाँव है जी। बड़ा गाँव, कितनी वोट है? अच्छा, दो पंचायत, 14-15 हज़ार गौ तकरीबन। वैसे अगर मोटा मोटा अंदाजा आप लगाएं तो कितनी है आपके गांव? अब तो जी बढ़ रही है, पहले तो बिल्कुल ही खत्म हो गई। बिल्कुल बिल्कुल जीरो पे आ गई। जीरो पे मतलब नाम मात्र, ठीक है। और तो बहुत बढ़ रही है। अभी अभी अच्छा रुझान हरियाणा नस्ल की गोधन के प्रति आज हमारे समाज में एक बार पुनः देखने को मिल रहा है। भाई बहुत बढ़िया, मोबाइल की फ्लैश लाइट जरूर दिखाएं, जलाएंगे। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो ये गौ जब ये देखें गोबर जो करती है, सिमटा हुआ गोबर, कोई सूख नहीं आती। उधर गौ का तो मूत्र भी तो लेते हैं, जो उधर आप जो कोई लेता है, काला धन है वो तो बिल्कुल नहीं, वो भी पशुधन है, लेकिन फिर भी इनमें दिन रात का है ना गुणवत्ता के आधार पर अगर देखें तो फर्क जो हमें सुस्पष्ट दिखता है। तो यहाँ पर कोई मठ है आपके? यहाँ पर मठ या कोई साधु संत या ऐसे कोई पवित्र आत्मा यहाँ पर है तो वो गायों का प्रचार करते हैं? बिल्कुल करते हैं। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और हमारे गांव में एक वैद्य जी है, वो भी गऊ बहुत रखता है। तो मातरम सर्वभूतानाम गावो सर्व सुख प्रदा। तो ये जो हमारे वेद शास्त्रों में कहा गया है कि गाय जो है, गऊ जो है, संस्कृत का एक जो शब्द है गऊ, गौ, तो ये पयस्विनी, ये जितने भी शब्द हैं ये पर्यायवाची शब्द हैं गऊ के, और इनकी एक महिमा हमारी संस्कृति में रही है। वेद शास्त्रों में सर्वाधिक जिक्र अगर किसी प्राणी का मिलता है तो वो गऊ का मिलता है बार बार, और मरणोपरांत हिंदू धर्म में जो कहा जाता है कि वैतरणी अगर पार कराती है तो गऊ अपनी पूँछ पकड़ करके और पकड़वा करके और फिर बेहतर नहीं पार कर। हो गया, ये देखें छोटी सी बच्चिया है भैंस के, फिर मैं बात करूं तो आधा वजन भार होगा, भैंस का वजन से आधे वजन की ये बच्चिया है, और ये देखें तकरीबन 6.5-7 किलो दूध एक समय का। भाई बहुत बढ़िया, सेकंड टाइमर, बहुत बढ़िया, ठीक है ठीक है। ये देखें बहुत बढ़िया, ये देखें स्टील की बड़ी बाल्टी है, ले आए कांटा ले, बहुत बढ़िया, रखें खाली बाल्टी रखें। ठीक है बहुत बढ़िया, रखें एक सेकेंड पास रखें इसको बाल्टी, ये देखें ठीक है। काटा काटे युवा साथी हैं मदद करवाने के लिए गांव दुबलदन माजरा से ही, ठीक है। और ये काटा चेक करवा दिया, 990 ग्राम, 1 किलो का वजन भार इसके ऊपर रखा है, ठीक है बहुत बढ़िया। हाँ रखें रखें खाली बाल्टी, ये देखें आप काटा काटें, जीरो करें, ठीक है बहुत बहुत बढ़िया। हो गया, ओ होल्ड कर दिया, कुछ ऑन करके ऑफ कर लो, ऑन करके ऑफ कर लो, हाँ बस बाल्टी रख दी, अपने आप जीरो कर लेगा, ठीक है। ये देखें जीरो वेट हो गया है, ठीक है डालें। ये जो दूध है ये अमृत तुल्य है, आप इस चीज को समझें। भाई बहुत बढ़िया,
ये देखिए तकरीबन तकरीबन 7.5 के आसपास किलो दूध है, 6 किलो 690 ग्राम। छह किलो 700 ग्राम दूध है और नन्ही जो बछिया है ये देखें वजन भार में हल्की और जो टिपिकल हरियाणा का जो सींग आता है बिल्कुल जमीन के समांतर वो आया है। तो काफी अच्छा गोधन, काफी अच्छा। आपका शुभ नाम एक बार मैं फिर जानना चाहूंगा। कुमार सनोप्रक बीर सिंह, गांव माजरा, दुब्बल दन, तहसील बेरी, जिला जज्जर। बहुत बढ़िया। तो संपर्क सूत्र और मैं आपके जानना चाहूंगा, हालांकि आपने सुस्पष्ट बता दिया है कि आप इसको देंगे नहीं किसी को। जी बताएं। इसकी जी कोई कीमत नहीं है। बहुत बढ़िया, ठीक है। और ये जो बछिया है इसकी पहले सीमन की है, जो ये एचएलडीबी की, ये भी बेकाऊ नहीं है। ये मैं जहाँ से गांव ले आया था उसको मैं दूंगा, वापिस देंगे। तो ये देखें बिल्कुल। तो इस तरह की व्यवस्था जरूर करें कि जिससे गोधन आप लेकर के आए थे उनका जो वो है कर्ज लगाएं, या फिर उनका जो इस तरह का आभार है तो वो दोबारा उनका जो अभिनंदन ये बछिया दे करके करेंगे, ये काफी अच्छा। तो 986986 की ये बेटी है और इस बार जो नन्ना काफ है ये है 885885 बुल। शायद अभी HLDB में वो बुल खत्म हो गया है, उसका बेटा है, ललवासे रंग में आया है। बहुत बढ़िया, ठीक है। संपर्क सूत्र अंत में 97 28 60 40 33। तो ये संपर्क सूत्र हैं और बाबू जी को यहाँ पर देख सकते हैं और जो युवा साथ हैं। बहुत बढ़िया, थैंक यू। नमस्ते, नमस्ते।